शंकराचार्य मंदिर पहुंच गए। हम पहुंचे नहीं है, बस यहाँ से यहाँ स्टार्ट ही किए। 280 हम हाफ रहे हैं। 280 स्टेप्स अभी भी चलने बाकी है। लेट्स डू इट। उतर के भूख लग जाने वाली है। बस 10 कदम चले अभी अभी हाफ रहे और चलना है 270। चलो लेट्स स्टार्ट। वही करना पड़ेगा, 280 स्टेप। हम बस 5 मिनट में हम कितना इधर 40 चढ़े, 40 स्टेप्स चढ़े होंगे मुश्किल। उतरते वक्त देखना हमारा कमाल कितना फटफट हम उतरते हैं। धवल कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ है देख के बोल रहे हो तुम? चलो धवल हम आ रहे। अच्छा देखो हमारा चौथा हॉल्ट है। भगवान जी ऐसा ये लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी जी हम चढ़ रहे ऊपर। बाबा चाई साहब कैसे होता होगा? हॉल्ट है, सांस फूल रहे। हो जाएगा अभी थोड़ा है, बस पहुंच ही गए। पहुंच गए। और कितना दूर, और कितना दूर? धवल पहुंच गया। हाँ पहुंच गए। पहुंच गया। यस पहुंच गया। हरिओम। देखो ना कौन सी चिड़िया है ये। हाय हेलो। फाइनली हम 280 स्टेप्स चल लिए और मंदिर पहुंच गए। सो यस वी डिड इट, हमने थोड़े हॉल्ट लिए पर हम पहुंच गए। वी सक्सीडेड। ये क्या है? झेलम, दरियाई झेलम। डाल लेक के लिए जहाँ हमने बहुत मजे किए। सो ये है हमारा फर्स्ट डे ट्रिप, है ना खूबसूरत? कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। बेस्ट पार्ट इज कि आप 12 महीने किसी भी वक्त आप वहां पे जा सकते हैं, बी इट विंटर बी इट समर। एंड ये जो रास्ता है इसी मतलब पहाड़ के ऊपर से हम उतर रहे हैं अभी मेन सिटी के लिए श्रीनगर, एंड जहाँ पे हम डाल लेक का यू नो शिकारा राइड करने वाले हैं। बहुत इंजॉय किया है हमने, आगे आप देखने वाले हैं। डाल लेक ना
फाइनली वी आर इन डाल लेक। सारे शिकारे यहाँ पे हैं, सोनिया को आ गए दोनों सब ब्लॉगिंग करने में व्यस्त है। डालने का कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हजार वाला फ्रूट खाना, हजार वाला फ्रूट पर 100 रुपए में खाना, 100 रुपए का डिस्काउंट। अभी वो फ्रूट वाला ढूंढना पड़ेगा हमको, बहुत वायरल है, देखते हैं हमें। अगर नहीं फोन तो भी, अगर नहीं फोन दे ना मतलब भी फोन मतलब भी फोन मतलब भी फोन मजा तो आ रहा है पर ठंडी भी उतनी ही लग रही है। फेमस आई थिंक दिस इज कावा। जैसे स्टॉल्स होते हैं यहाँ पे इतना यूनिक है, आई गेस यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज चाय, हाँ ये कावा मतलब यहाँ काइंड ऑफ चाय। हाँ गो रास्ते में फील ठंडी फील हो वो टेक बोथ ऑफ योर गोप्रोस एंड आई विल टेक सम ओ माय गॉड हम लोग शिकारा में बैठ गए, कैसा लग रहा है, हिल रहे हैं, मुझे उल्टी उल्टी सी हो रही है, बोट ऐसे ऐसे हिल रहा है, पर मुझे तो स्विमिंग आती है, तू अपना बता। मुझे स्विमिंग आती है, नहीं आती है अपना बता, मुझे तो स्विमिंग आती है तुम लोग अपना अपना बता, ये मुझे बता देना भाई। स्विमिंग मुझे भी आती है लेकिन इतने ठंडे पानी में ना हाथ पाँव फ्रीज हो जाने वाले, एक हाथ मारेंगे नहीं दूसरा वाला बर्फ हो चुका होगा। सब हमारा राइड होने वाला है, हमने अपना निगोशिएशन कर लिया है, कश्मीरी ड्रेस में फोटोग्राफर आएगा, ड्रेस व्रेस ले लेना, अगर लेना है फोटो वो यादगारी रहेगा, खाया पिया सब जाता है, घर में कुछ याद मेमोरी लेके जाओ, वो भी अच्छे रेट पे करके देंगे तो वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। हमारी सवारी शुरू हो गई, अंदर से जा, देवो ने बाजू में बेस अंदर से ना, आ जल्दी इधर, शादीशुदा कपल ये आए, मैरिड हम दोनों लग रहे हैं, थर्ड वेडिंग, ये कश्मीर में डाल लेक में शिकारा में बैठने का जो ये सपना था वो पूरा हो रहा है। भैया के पास स्पीकर होगा ना, भैया को पूछ सकते हैं। कुछ खाना पीना है तो आप लोग देख सकते हो, एक कश्मीरी ड्रेस में चलते चलते होता है, चलते चलते कैसे होगा, चलते चलते ऊपर से ड्रेस पहने इसमें चेंज में कुछ नहीं करना मैडम, यहाँ सेम बैकग्राउंड कितने का है, 200 200 वापस आके फोटो मिलेगा मैडम आपको, ये चलते ऑन द वे होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, शिकारा नहीं रुकेगा आपका। अच्छा, और कुछ चेंज भी नहीं करना, इन्हीं कपड़ों के ऊपर आता है, इसमें चेंज वेंज नहीं होता मैडम। हाँ ठीक है, मैं कर लेते हैं, करेगी क्या, चल मैं आता हूं, नहीं मैंने, अरे चल यार आपको दिखाएगा मैडम, नहीं 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 मैंने, अरे चल यार इसके ऊपर ही पहन लेंगे, निकालना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा ये चाचा फ्रूट सैलेड कैसे दिया है बताओ ना जल्दी से, कितना सैलेड कैसे दिया है, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट और 900 का डिस्काउंट, देखा मुझे पता था, ये वही वाले फ्रूट सैलेड
भैया है। देखो मैं ना आपका फ्रूट सैलेड खाने आई हूँ यहाँ पे, मैं सच्ची बता रही हूँ। मुझे 1000 रुपए वाला फ्रूट सैलेड बना के दो, जिसका 900 रुपए डिस्काउंट है, और 100 रुपीज दूंगी। आप जल्दी से मुझे एक फ्रूट सैलेड बना के खिलाओ। चलो आज मैडम, ये तब तक ही तैयार रहेगा। अरे भैया ये 9 लाख का हार है मेरा। देखो ये मेरा 9 लाख का हार है। अरे आगे जा रहा है बोट। हाँ। भैया एक सेकंड पकड़ना, ये घी ये डी रेडी है। ये देखो मेरा फ्रूट सैलेड आ गया, और चाचा को मैं ये 1000 दे रही हूँ, और चाचा मुझे अभी 900 रुपए डिस्काउंट देंगे। घुमा के निकल जाओ। जल्दी से जल्दी निकलो। मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ दाल लेक में चाचा का ये फ्रूट सैलेड खाना है। एक्चुअली कब से बोल रही थी चाचा, कितने सारे ये देखो, ये येलो एप्पल भी रखा है। गए गए चाचा तो गए। नहीं छुट्टे दो। ओह लुक एट दैट बर्ड, सो बिग, इट्स ईगल राइट और काइट। चाचा बहुत वायरल हो गए हैं, मैं बता रही हूँ आपको। आपने जो 900 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है, थैंक यू। भाई हाथ जम रहे हैं मेरे, हाथ जम रहे हैं, एक्चुअली लिटरली हाथ जम रहे हैं। दिखाओ सर, निकालो पानी लगाओ। बहुत ठंडा है। चाचा का फूल सारा खत्म। मस्त हाउस बोट से देखो ना। बाय चाचा। चाचा भी फ्लोटिंग मार्केट, पनीर कबाब बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, और मेरे लिए चिकन कबाब बनेगा, बना नहीं है अभी तक। खाके देखिए बताओ कैसे बनाए। कश्मीरी थ्रॉट फिश मत ना खाएंगे आप जी। कश्मीरी थ्रॉट फिश नहीं, इट्स सो हालत खराब होती जा रही, जितना टाइम निकलता जा रहा है ऐसा लग रहा है दाल लेक में आज हम फ्रीज होने वाले हैं। एक्चुअली बहुत ठंडी है अभी ना, आवाज भी नहीं निकल रही है। मैं आपको ना फॉर एग्जाम्पल प्रूफ दिखा रही हूँ कि हाथ मेरा लिटरली बर्फ हो चुका। नहीं कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ में खाना है। किसके टाइम पे? बर्फ के टाइम। अभी तो बर्फ ही गिर रहा होगा ना। मेरा बन रहा है तंदूर पनीर तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। यम्मी 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 यम्मी। भैया हमारे जो पनीर करोगे ना इसी प्लेट में दे देना। यम्मी 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 यम्मी। आपने क्या फिश बोला? कश्मीरी ड्रॉट फिश। ड्रॉट फिश, ड्रॉट फिश क्या होता है? सुखी मच्छी? मैम मछली होती है पानी की, पहले उनसे आती है। अच्छा रिवर फिश होती है। मीठी वाली मीठी होती है वो? बोनलेस होती है, वो बहुत बड़ी होती है। ओके है ना, मैंने बोला था बाहर 500-600 मिलेगा उनका खर्चा। देखो फ्लोटिंग मार्केट, देखो ये हाउस बोट के अंदर जो शोरूम है ये मालिक खुद है, बेटा और खुद है। लेट्स गो टू फ्लोटिंग मार्केट हियर इन कश्मीर। तो ये लोग नहीं रखते, सेलिंग खुद करते हैं। यहां का फेमस पश्मीना है, सभी पश्मीना है। पश्मीना पश्मीना तो बहुत महंगा है। सॉरी
पश्मीना तो बहुत महंगा है ना। सेमी पश्मीना भी आता है ना, महंगा नहीं है, महंगा तो बाहर मिलता है, यहाँ पे थोड़ी महंगा पता नहीं है। यहाँ पर अगर देखने 10 मिनट अंदर तो देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर महंगा नहीं होता है क्योंकि ये बेचने वाले ही खुद है ना, बनाने वाले भी खुद है। पश्मीना किससे बनता है? ऊन से बनता है, कॉटन से। आप देखो 10 मिनट, देखो 10 मिनट में देखने में कोई हाल नहीं। देखो यहाँ पर क्या होता है, दुकानदार यहाँ पर जैसे हैवलुक होता है ना, हैवलुक नहीं करते, वो ट्रीट अच्छा होता है। अगर आपने देखो देखा है पसंद नहीं आया तो यहाँ पर ये नेचुरल क्या क्या है ये भैया, इसको क्या बोलते हैं? शॉल है, शॉल शॉल है ना, स्टॉल बोलता है जो छोटा जो मैंने वो दिखाया। अच्छा वो स्टॉल उसमें है, और इसमें बहुत अंतर है। और ये सब कितने की है ये सब शॉल? ये वाला 1500 10% डिस्काउंट, वो दिस इज वेरी नाइस। बाकी आपको 200 100। हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की है, शॉल जैकेट्स वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे जैकेट्स मिलते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट्स पे, एंड बहुत अच्छे सस्ते रेट पे अगर आप नेगोशिएट करो तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद हम गए लाल चौक, यस ये है फेमस घंटा घर, लाल चौक का हमारा संडे मार्केट। और कैसा लग रहा है आपको संडे मार्केट में आके? लाल चौक इतनी भीड़, मुंबई की कमी महसूस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना यहाँ पे। और आप बहुत नींद में है दिख रहा है मुझे, सो भी गई थी, सो गई थी। संडे मार्केट था तो लाल चौक में काफी सारे शॉप्स बंद थे, पर जो भी शॉप्स खुले थे तो थोड़ा हमने ड्राई फ्रूट्स, केसर, ऐसे बहुत कुछ सारी चीजें हमने शॉपिंग की। उसके बाद हम अपने रूम में गए और डिनर करके सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा बहुत हैक्टिक होने वाला था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।